राम राम किसान भाइयों, मैं दीपकापा मावटकर गांव रामेश्वर तहसील आंवडा जिला हिंगोली महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। मैं आप सब किसान भाइयों को अनुरोध करना चाहूँगा कि डिकम्पोजर से कैसे खेती उपजाऊ हो जाती है और कैसा अपना ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न निकलता है और खर्चा भी कम आता है, इसका मेरे को अनुभव आ गया है, इसलिए मैं आपको ये सब्जी दिखा रहा हूँ। ये देखो सब्जी की खेती है, ये सब उसको, मैं महाराष्ट्र हूँ इसलिए हिंदी में क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मराठी में उसको मेथी की भाजी कहती है, मेथी। और इधर मेरी सब डिकम्पोजर के उपयोग से ये मेरी खेती हरी भरी है और मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये मेरी ये शेपू बोलती है इसको, ये शेपू है। मैं आपको ये इतना ही बताना चाहूँगा कि डिकम्पोजर से ज़्यादा किसान भाइयों के लिए वरदान है। मैं अनुरोध करना चाहूँगा किसान भाइयों से ज़्यादा अपन अपनी खेती में डिकम्पोजर का उपयोग करें। और मैं भारत अनुसंधान केंद्र गाजियाबाद का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, साथ में डॉक्टर किशन चंद्र जी का, सहयोग जगत सिंह साहब, अमित सर जी, और ख़ास करके जिन्होंने मुझे प्रेरित किया वो अपने फौजी भाई, इसलिए मैं आपको सबको अनुरोध करूँगा। मेरा तो अनुभव अच्छा रहा है कि सब्जियाँ जैविक सब्जियाँ खाने से अपना तंदुरुस्त शरीर भी बन जाता है और किसी को हानि भी नहीं पहुँचती, रासायनिक से या चाहे जैविक, इसलिए मैंने सब डिकम्पोजर उपयोग करके ये सब्जियाँ ली है। तो राम राम, धन्यवाद सब किसान भाइयों, राम राम। अपनी क्या बोलती है उसको, मैं महाराष्ट्र हूँ इसलिए मैं मराठी में बात करना चाहूँगा थोड़ा। इसमें शेपू बोलती है, शेपू तो उसकी भी नैसर्गिक यानी कि डिकम्पोजर का उसके ऊपर किया है। पहले मैंने उसके ऊपर जब बुआई की तो उसमें छिड़काव करके बुआई की, बाद में उसके ऊपर एक पंप में 2 लीटर डाल के डिकम्पोजर उसके ऊपर छिड़काव किया, तो हर चौथे पाँचवें दिन में मैं इसका उपयोग करता हूँ। तो ये ऐसा अच्छा मेरे को रिजल्ट आया, और आयुर्वेदिक है इसलिए तो बहुत ही अच्छा है, खाने के लिए अपने शरीर के लिए तो बहुत ही अच्छा है। स्टार्ट। मेरे को तो अच्छा लगा है, मैं डिकम्पोजर यूज़ करके बहुत ही खुश हूँ, मेरे को आज रिजल्ट आया। और रिजल्ट जो आया है वो मैंने आपको दिखाया कि जामुन के पेड़ में भी कैसा, दो सामने सामने पेड़ है फिर भी उसकी एक की और ये दूसरी की कैसी है, सब्जियाँ कैसी है मेरी। पहले मैंने मिर्ची का प्लॉट लिया, बैंगन का प्लॉट लिया, उसमें भी यूज़ किया। मैं तो सब बढ़िया मेरा चल रहा है, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा भारतीय संविधान केंद्र गाजियाबाद का, साथ में डॉक्टर किशन चंद्र जी का, अमित सर जी का, और जो भी टीम है उस सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने किसान भाइयों के लिए एक वरदान जैसा कम खर्चे में अपने को अच्छा रिजल्ट दिया है, इसलिए मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। राम राम, धन्यवाद। राम राम किसान भाइयों, मैं दीपक आपा माधवराव मावटकर रामेश्वर गांव तहसील आंवडा जिला हिंगोली महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। मैं आपको डिकम्पोजर के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। ये मैंने डिकम्पोजर बनाया है और इसमें जो डिकम्पोजर का जो कल्चर है वो मैंने एक किसान भाई से लिया था, उसमें से लाकर मैंने इसमें 300 लीटर पानी, इसमें 3 किलो गुड़ और कल्चर डाल के बनाया है। 8 दिन हो गया, अब मेरा बन गया है कल्चर। अब मैं उसको कैसा प्रयोग करके कैसा अनुभव मेरे को आया मैं आपने को बताना चाहूँगा। मैं 2 साल से जैविक खेती करता हूँ और ये वेस्ट डिकम्पोजर का मैं 5-6 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें से जो अनुभव मेरा आया कि मेरा जो खेती भुरभुरी हो गई, अच्छी हो गई, तो आपको मैं अनुभव, प्रैक्टिकली अनुभव मैं दिखाता हूँ। ये अपना डिकम्पोजर लेना है, इसमें मैं आपको प्रैक्टिकली बना के दिखा रहा हूँ। ये 2 किलो डिकम्पोजर, उसमें माइक्रोन्यूट्रन, इसमें माइक्रोन्यूट्रन है, आप देख सकते हैं माइक्रोन्यूट्रन।
इसमें डाला है मैंने। अब मैं तुमको सबको मैं प्रयोग दिखाता हूँ कि मेरा अनुभव कैसा आया करके, तो आइए आप देख सकते हैं। तो ये अपने को अनुभव दिखाता हूँ। अब मैं इसको डाल रहा हूँ, इसको मैं हर दिन डालता हूँ, 1 लीटर पर डे डालता हूँ, तो इसका आपको फर्क दिखाना है। तो ये देखो, ये जो मेरा जामुन का पेड़ है, तो इसको इसके जो फांदियाँ है, उसकी जो जाड़ी है, पत्ती की कलरिंग, सब कुछ देखो कैसा है। और इसके नज़दीकी ये देखो, इसमें डिकम्पोज नहीं डाला है मैंने। तो फिर इसका फांदिया देखो, इसकी फांदिया ये सब, यानी कि मेरे को इसको अच्छा नहीं, लेकिन रिजल्ट ऐसा आया कि हर दिन मैं 1 लीटर डालता हूँ इसमें। तो देखो इसकी क्वालिटी देखो, इसकी हाइट देखो। मैंने आपको तो पेड़ में ग्रोथ कैसी है तो बताया, लेकिन मेरी सब्जी की खेती है तो उसमें भी कैसा ग्रोथ आया। तो ये देखो मेरी सब्जी की खेती है, उसकी जो कलरिंग है, जाड़ापन है, उसमें जो उसके ऊपर जो है, तो ये भी बढ़िया, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। और मेरी ये अपनी